बाई 3 फीट का रहता है और हम वो फाइनल मेन क्वालिटी है इस मशीन की, इसकी स्मूथनेस। ये रफ नहीं आएगा बिल्कुल, ये स्मूथ आएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्तों हम आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू दिल्ली वुड 2023 और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के स्टॉल पर जो प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफ़ी तरीके के सॉल्यूशंस देते हैं और पूरा प्लांट सेटअप करते हैं और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आप इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं या इस तरह की मशीनरीज की ज़रूरत है तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप सुनाइए सर। फाइन सर, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर? मैं आशीष चौपाल डायरेक्टर हूँ चौपाल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का। हमारी फर्म प्लाईवुड से रिलेटेड हर टाइप की मशीनरी प्रोवाइड करती है। पहले हम इंपोर्टर थे 100%, अब हमने यहाँ पे मेक इन इंडिया उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर। ऑफिसेज कहाँ है सर? और हमारा प्लांट सेटअप है यमुनानगर में हरियाणा में और ऑफिस भी वहीं पर है और पैन इंडिया हमारी सप्लाई है। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारी मशीनरीज शोकेस कर रहे हैं, मशीन्स के बारे में देख लेते हैं और किस तरह का। मैं यहाँ पर पीलिंग मशीन जो बेसिक स्टेप है प्लाईवुड का वो शोकेस कर रहा हूँ। उसके बाद कोर कंपोजर्स हैं, एल टाइप कंपोजर्स, पैनल जॉइंटर्स हैं, डीडी सॉ है, कटिंग मशीन बोलते हैं जिसको, नाइफ ग्राइंडर है, ये सब मैं शोकेस कर रहा हूँ। फिलहाल कंप्लीट मशीन तो शो नहीं कर सकते छोटी सी एरिया में, तो एक लिस्ट ऑफ मशीन भी स्टेप वाइज देख लेते हैं। हाँ, स्टेप वाइज आप, ये डिबार्किंग मशीन है, ये क्या करती है जो अपनी वुड ब्लॉक्स है उसको राउंड कर देगी, उसका छिलक उतार देगी। इसको मैं अभी डेमो दिखाता हूँ इसका, ये देखना, ये वुड ब्लॉक्स के ऊपर ये जो इसका बार्क है ना, इसको रिमूव करने के लिए है, ये डिबार्किंग मशीन बोलते हैं इसको। हाँ, ये जब इसका सारा ये छिलक को रिमूव कर देगी सर। तो फर्स्ट प्रोसेसिंग यहाँ से, फर्स्ट प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। हाँ जी, उसके बाद ये यहाँ से जाएगा पीलिंग मशीन में। ये हमारी पीलिंग मशीन है, ये मेड इन इंडिया 100% मेड इन इंडिया मशीन है। यूरोपियन मार्केट के लिए हमने डेवलप की है मशीन। ये फर्स्ट ऐसी मशीन है इंडिया, मेड इन इंडिया, जिसके अंदर नाइफ टिल्टिंग टेक्नोलॉजी है। नाइफ टिल्टिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, जैसे जैसे लकड़ी हमारी पील होती रहती है तो नाइफ कटिंग एंगल है वो सेम रखने के लिए नाइफ ऊपर की तरफ मूव करता है। और यहाँ पर आपने ये पिलर्स हैं, ये पिलर्स हाई स्पीड मशीन है। इसकी स्पीड है 150 मीटर पर मिनट। 150 मीटर पर मिनट में ये निकाल सकते हैं? हाँ जी। और जैसे ये जो जो इसकी मेन क्वालिटी है इस मशीन की, इसकी स्मूथनेस। ये रफ नहीं आएगा बिल्कुल भी, ये स्मूथ आएगा। इसके लिए हमने नाइफ टिल्टिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ये स्मूथनेस के लिए, ताकि ये स्मूथ रहे, दोनों एरिया इसका स्मूथ रहेगा। ये थिकनेस कस्टमाइज होता है, जो भी थिकनेस कस्टमाइज है, ये आप 1 mm से लेकर 3 mm तक की निकाल सकते हैं। और इसकी विड्थ है, ये भी कस्टमाइज होती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और ऑटोमेटिक कटिंग हो जाएगी इसकी। हाँ जी। एंड सर, नेक्स्ट प्रोसेसिंग में क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेसिंग इसके बाद ड्राइंग प्रोसेस रहता है, वो यहाँ पर शो नहीं कर सकते ड्रायर के बाद। उसके बाद हमारे पास ये आता है कोर कंपोजर मशीन। कोर कंपोजर मशीन क्या करता है, जैसे हमने ये छोटे छोटे पार्ट्स में पील किया, इनको ज्वाइन करेगा 8x4 की शीट्स बनाने के लिए, जो फर्दर हमारी प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होती हैं। 8x4 की शीट्स होंगी, ग्लू होके प्रेस होके फिर प्लाई बनती है। ये हमारा कोर कंपोजर मशीन है। तो ये ड्राई होने के बाद यहाँ पर इस पर आएंगे सर? ये 4x2 की शीट्स को पहले फ्रंट एंड चॉप करेगा, फिर बैक एंड चॉप करेगा, ताकि वो 90 डिग्री का बन जाए। उसके बाद उनको ज्वाइन करेगा, ताकि इसके बीच में कोई गैप ना रहे। जब हम प्लाई बनाएंगे उसके बीच में गैप आ जाएगा तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। ये यहाँ सर कट हो रहा है, उसके बाद ये ज्वाइन हो रहा है धागे से। अच्छा, धागे से ज्वाइन हो गया, कंप्लीट शीट बन जाती है। इसको फिर असेंबलिंग के लिए इजी हो जाता है, मैन पावर कम लगती है, क्वालिटी अच्छी होती है। ये क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये मशीन्स यूज़ होती हैं। जो ये विड्थ है, ये स्टैंडर्ड इतना ही रहता है? ये स्टैंडर्ड 4x3 का रहता है और हम वो फाइनल कस्टमाइज है, जैसे 8x4, 6x4, 7x4, यहाँ तक हम लेके जा सकते हैं उसको। 4x4, अब हम 4x4 ही बना रहे हैं यहाँ पर फिलहाल। ये इसकी ऑटोमेटिक स्टैकिंग है, वहाँ पर पीस कट
बन गए, शीट बन गई, शीट बनने के बाद ये ऑटोमेटिक स्टैकिंग होगी यहाँ पर, प्रॉपर स्टैकिंग होगी। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा फोक लिफ्ट से इसको हम रिमूव कर लेंगे। अच्छा, यहाँ से? हाँ जी। तो ये जैसे अगर पार्टिकुलर किसी भी मोटाई की अगर बनाना हो, कितने लेयर लग जाते हैं सर? अब वो मोटाई के हिसाब से, जैसे 18 लेयर की प्लाई बनानी है, 18 mm की प्लाई बनानी है, तो 11 लेयर्स लगेंगी इसकी। वो लगते हैं हमेशा क्रॉस लगती हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल लगेगी, एक वर्टिकल लगेगी। वो वर्टिकल बनाने के लिए वो मशीन अभी फ़िलहाल हीटिंग हो रही है उसमें, उसका डेमो अभी नहीं दिखा सकते। तो इसमें आपका हॉरिजॉन्टल बन रहा है, उसमें वर्टिकल बनेगा। फिर इन शीट्स को हम ग्लू में से पास करके और प्रेस के अंदर पेस्ट करके एक प्लाई बना लेते हैं। प्लाई जो बनती है हमारी डिजायर्ड साइज़ की नहीं होती, वो रॉ होती है जैसे वो है। फिर उसकी कटिंग करते हैं इस मशीन पे, ये होते हैं डीडी सॉ कटर्स बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर वो हमारा रफ साइज़ में आ गया, उसके बाद हम लोग यहाँ पर साइजिंग कर लेते हैं। रफ साइज़ में आ गया, ये जैसे 8x4 का है प्लाई, तो 8x4 से प्लस हो गए, तो इसको कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट ये इस मशीन पे आता है। इसके अंदर भी कस्टमाइजेशन पॉसिबल है, मिनिमम 5 feet by 2.5 feet की हम इसके अंदर कस्टमाइजेशन कर सकते हैं साइज़ की, मैक्सिमम 8x4। और वहाँ भी ये जो टिम्बर वो भी डिबार्कर जो हमने सबसे पहले देखा था उसका दूसरा मॉडल है, इसके अंदर ऑटोमेटिक चिप्स कटिंग भी होती है। तो ये सारा एक लाइन हो गया आपका, वहाँ से डिबार्किंग होके और प्रोसेस होके ये यहाँ पर ये बनकर तैयार हो जाए। तो ये सारी जैसे ये जो कंप्लीट सेटअप है कि और भी इसमें मशीन, ये और भी मशीन्स लगती है, कंप्लीट सेटअप हम इस छोटे से एरिया में नहीं दिखा सकते, ये एक जस्ट डेमो है। जो जो आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन्स आ रही हैं वही हैं, ये अभी आज से पहले नहीं यूज़ होती थी, 2 साल पहले से, 2 साल से ये मशीन्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। कारण क्या है, एक तो मैन पावर रिड्यूस कर देती है मशीन और आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, जिसके कारण इन मशीन्स की डिमांड है। जैसे सर अगर कोई इस इंडस्ट्रीज में आना चाहते हैं, इस तरह के सेटअप लगाना चाहते हैं, उनके लिए एरिया रिक्वायर्ड क्या होता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या है? वो सब आप हमें कांटेक्ट करें, हम पूरी नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे एरिया के लिए और बजट के लिए। हमारा भी अपना यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें चौपाल इंजीनियरिंग के नाम से, और आपके साथ जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। जैसे अगर देखिए फ्यूचर के बारे में, क्या फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का? फ्यूचर बहुत अच्छा है, रॉवुड की अवेलेबिलिटी फिलहाल ठीक है, और हम अगर हम अच्छी क्वालिटी बनाएंगे तो पैन यूरोप और अमेरिकन जैसी कंट्रीज़ हैं जो आजकल चाइना को छोड़ के इंडिया की तरफ मूव कर रही हैं। ये कोरोना का एक बहुत अच्छा, हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट है कि अब लोग चाइना की तरफ नहीं रुख करते, इंडिया को एक सब्स्टिट्यूट देख रहे हैं कि इंडिया अगर क्वालिटी दे सकता है तो वाई नॉट गो फॉर इंडिया। तो ये एक अच्छा फ्यूचर है इस इंडस्ट्री का। तो यहाँ पर ये रहा कि अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं या पार्टिकुलर कोई आप मशीन से लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके उनके अकॉर्डिंग काउंसलिंग हो जाएगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो समझ लिए जाएंगे। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम तैयार हैं, आप आइए, कॉल पे कॉल कीजिए, हम हर सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएं। कैसे कॉन्टैक्ट करें सर? हमारी वेबसाइट है www.chopalengineering.com और YouTube पे चैनल है चौपाल इंजीनियरिंग के नाम से, उस पर अब सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड सर एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, जो मशीनरीज आप यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं उनके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बोलना चाहेंगे? दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन आई हैं, आप आइए देखिए, कुछ समझिए। अगर क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने हैं और कम मैन पावर यूज़ करके बनाने हैं तो आपको ये मशीनरी लेना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको लेना ही पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू।